गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतोछड़ाए गवाम कोटि प्रभो भव। प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। प्रथम पूज गणपति को ध्यान, शिव गौरा को ध्यान लगाओ, मातु शारदा का सुमिरन कर, कृष्ण चंद्र को हृदय बसा कर, गोवर्धन की गाथा पावन कहती हूँ मैं जन मन भावन। सुनो सभी शुभ ध्यान लगा कर, मन में श्रद्धा भाव जगा कर, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष को तिथि प्रतिपदा को आए, जो गोवर्धन पूजा का पावन कहलाए वह पर्व सुहावन। इस दिन जो करते हैं पूजन, सुखमय होता उनका जीवन, भय बाधा ना कभी सताए, मन प्रसन्न होकर हर साए, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के दूसरे दिन आता है। इस पर्व को प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी तरह पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी संसार को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता अपने पवित्र दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। जब जब जग में संकट छाया, भक्त संत का मन अकुलाया, हाहाकार मचा जब भारी, दुखी हुई यदि सृष्टि सारी, तब माता धरती ने जाकर गौ माता का रूप बनाकर, सत्य धर्म को दिया सहारा, देवों ने जय जय उच्चारा, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। द्वापर में परमेश्वर आए, कृष्ण चंद्र वह तो कहलाए, सभी कलाओं में थे आगर, कृष्ण चंद्र प्रभु करुणा सागर, गौ माता का पूजन वंदन सदा सदा करते थे भगवान, इस कारण जन जन को भाए, मन मोहन गोपाल कहाए, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, इस प्रकार गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए वंदनीय और पूजनीय है। इनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही यह परम पावन गोवर्धन पर्व किया जाता है। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के उत्सव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन मुख्य रूप से गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बने पर्वत की पूजा करने से घर की समस्त समस्याओं का निवारण होता है। वैसे तो गोवर्धन पूजा मनाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु जो अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रमाणित है, आइए वह पावन कथा भाव सहित श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। पर्व बना किस तरह सुहावन, सुनो सभी यह गाथा पावन, है यह अतिशय बात पुरानी, द्वापर की प्राचीन कहानी, एक बार गोकुल में भारी उत्सव मना रहे नर नारी, चारों ओर परम सुख छाया, सबका मन अतिशय हर्षाया, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो
सज रही, मन भावन शुभ वाद बज रही, भांति भांति पकवान मिठाई बना रही है यशोदा माई। देखा कृष्ण चंद्र ने यह सब, पूछा माता यशोदा से तब, किस उत्सव की है तैयारी, माता बात बताओ सारी। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र जी माता यशोदा से जब इस प्रकार पूछते हैं कि हे माता, यह किस तरह का और कैसा उत्सव है जिस कारण सारा नगर सजा हुआ है और चारों तरफ बड़ी जोरों की तैयारियां चल रही हैं, तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर कहती हैं कि हे कन्हैया, ये देवराज इंद्र की पूजा का उत्सव है। हमारे नगर में अच्छी वर्षा हो तथा कोई फसल खराब ना हो और अन्न धन सर्वदा बना रहे, इस कारण यह उत्सव परंपरागत चलता आ रहा है। इस दिन देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए लोग इंद्र की पूजा करके उन्हें अन्नकूट चढ़ाते हैं। माता यशोदा भगवान कृष्ण को यह भी बताती हैं कि हे कन्हैया, इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और गायों को चारा मिलता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। माता की बातों को सुनकर कहते हैं श्री कृष्ण कृपा कर, पूजा के बदले कल्याण, यह तो है व्यापार समान, इससे अच्छा तो सब मिलकर करो गोवर्धन पूजा सादर। गोवर्धन पर्वत पर ही तो गाय पाती है चारा को, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। इंद्र कभी ना देते दर्शन, रहते हैं अभिमान में हर क्षण, फिर पूजा ना करने पर तो अतिशय क्रोधित हो जाते वो, ऐसे अभिमानी का पूजन बंद करो मिल कर के सब जन, इनके जग गोवर्धन जी की पूजा पाठ करो मिल सब ही। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे माते, इंद्र तो सदा ही अहंकार में डूबा रहता है, फिर पूजा न करने पर क्रोधित होकर अपना प्रभाव भी दिखाता है, इससे अच्छा तो हम सब एक साथ मिलकर भाव पूर्वक श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा करें, जहां हमारी गाय चढ़ती हैं और जिन गायों के दूध से हम सभी हष्ट पुष्ट बनते हैं। लीलाधार भगवान श्री कृष्ण की बातों ने ऐसा प्रभाव किया कि समस्त गोकुल और ब्रजवासियों ने इंद्र की जगह श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा और आराधना करना प्रारंभ कर दिया। जब यह सब देवताओं के राजा इंद्र को पता चला तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर प्रलय काल में बरसने वाले सावर्तक मेघ को गोकुल में महाप्रलय का आदेश दे दिया। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। दिया इंद्र ने जब आदेश, मेघों ने लिया रूप विशेष, पल में घटा घेर गई काली, मन में भय को भरने वाली, सावर तक अंबर में आया, रूप भयंकर तुरंत बनाया, बिजली चमक रही चहुओर, मचा भयानक भारी शोर। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। गोकुल में मूसल आकार, वर्षा होने लगी अपार, फसल आदि सब नष्ट हो रहे, गोकुल वासी धीर खो रहे, प्रलय काल का तांडव छाया, सबका मन अतिशय खुलाया, फिर तो सबने संग में मिलकर कष्ट सुनाया प्रभु को जाकर। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व
क्रोधित होकर महाप्रलय के मेघों को आदेश दिया और गोकुल में भयंकर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तब समस्त नगर वासियों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को अपना सारा हाल सुनाया। सबके कष्टों को सुनकर और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्रता से गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और समस्त गोकुल वासियों को गायों और बछड़ों सहित पर्वत के नीचे ही आ जाने को कहा। जब सभी पूर्णतः सुरक्षित हो गए तब इंद्र के मन में और भी क्रोध छा गया। फिर उन्होंने वर्षा की गति को और भी तीव्र कर दिया। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करो, और शेष नाग से कहा कि आप मेड बनाकर जल को पर्वत की ओर आने से रोक दे। फिर क्या हुआ अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोली भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। प्रभु की माया को सिर पर धर, चक्र सुदर्शन पर्वत ऊपर, महाभयंकर मेघ आदि को करने लगा नियंत्रित वो तो। शेष नाग जी मेड बनाकर अदृश्य रूप में स्थित होकर, रोक रहे जल की गति भारी, बने सुरक्षित सब नर नारी। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। गोपी ग्वाल बाल सब मिलकर उत्सव मना रहे हर्षाकर, गोवर्धन पर्वत नीचे ही लगे बीतने रात दिवस भी। कृष्ण कन्हैया की जयकार, गाय चरैया की जयकार, गूंज रहे जग जयकारों से, कृष्ण नाम के उच्चारों से। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, इस प्रकार से देवराज इंद्र गोकुल में निरंतर 7 दिनों तक बरसात करते रहे और समस्त नगर निवासी पर्वत के नीचे उत्सव मनाते रहे। जब सावर्तक आदि समस्त मेघ थक हार के इंद्र से विनती करने लगे तब देवराज इंद्र को आभास होने लगा कि उनका सामना किसी साधारण बालक से नहीं हुआ है। फिर वे अपने मन में अनेकों विचार करते हुए विधाता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए और ब्रह्म देव को प्रणाम करते हुए उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। इंद्र की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, आप जिस बालक की बात कह रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश स्वरूप श्रीमन नारायण लीला पुरुषोत्तम कृष्ण चंद्र हैं। फिर क्या हुआ अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। ब्रह्मदेव ने जब बतलाया है यह सब ईश्वर की माया, जिसे रहे तुम बालक जान वो है नारायण भगवान। ब्रह्मदेव की बातें सुनकर देवराज अति लज्जित होकर बोले, अब प्रभु राह दिखाओ, क्या उपचार करूं बतलाओ। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। बोले ब्रह्मदेव, तुम जाकर प्रभु के आगे शीश झुकाकर अपने भूलों को स्वीकारो, क्षमा मांग अपराध सुधारो। इंद्र देव प्रभु सम्मुख आए, गिर चरणों में अश्रु बहाए, बोले क्षमा करो हे स्वामी, करुणामय प्रभु अंतर्यामी। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, इस प्रकार जब देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर बारंबार क्षमा प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, यह सब मुझसे अहंकार वश केवल भूल के कारण हुआ है, अतः
हे दया सागर सर्वात्मन, आप कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र मुस्कुराते हुए इंद्र के भूलों को क्षमा कर देते हैं। फिर देवराज इंद्र विधि पूर्वक प्रभु की स्तुति करके 56 तरह के व्यंजनों से प्रभु को भोग लगाते हैं और फिर इसी घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का पावन पर्व प्रारंभ हो जाता है। इस दिन प्रत्येक वर्ष गोकुल तथा ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और फिर अपने गाय तथा बैलों को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाते हैं तथा गले में नई रस्सी डालकर गुड़ और चावल प्रेम पूर्वक खिलाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। पूजन का अब सर्व विधान सुनो सभी जन देकर ध्यान। इस दिन प्रातः काल ही उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजन सामग्री को लाए, पूजा स्थल को स्वच्छ बनाए, फिर स्नान ध्यान कर सादर बैठ जाए पूजा के स्थल पर। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। कुल के देव का ध्यान लगाए, फिर गौ का गोबर मंगवाए, गोबर से पर्वत गोवर्धन तुरंत बनाए, रख मन पावन, पुरुष कहीं लेटा आकार, होता है पर्वत आधार, इस आकृति को खूब सजाए, फूल फूलों से अति चमकाए। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है और नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना दिया जाता है और वहाँ एक कटोरी और मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर उसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु, बताशा इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान गौ माता को भी स्नान आदि करके सिंदूर तथा पुष्प मालाओं से सजाया जाता है। गाय के सिंह पर घी और गुड़ लगाकर गाय की पूजा की जाती है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। गोवर्धन पूजा के तिथि पर अन्न चढ़ाते प्रभु को सादर, साथ दूध व्यंजन पकवान करे चढ़ा कर के गुणगान। गोवर्धन पूजा को मिलकर सब परिवार सम्मिलित होकर पूजन करते हैं शुभ साधन, कृष्ण चंद्र को शीश झुका कर। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। गोवर्धन पूजा करता जो जीवन में सब सुख पाता वो, कमी किसी की नहीं सताए, मिले सफलता मन हर्षाए, रोहित प्रभु को शीश झुकाए और सानंद सदा गुण गाए, कथा सुने जो ध्यान लगाकर तर जाए वह जन भव सागर। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, गोवर्धन पूजा कभी भी बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, इस दिन हल्के पीले या नारंगी रंग के कपड़े ही पहने। गोवर्धन पूजा के दिन गाय और जीवों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा करना कदापि ना भूलें। परिक्रमा करते समय एक व्यक्ति हाथ में जल व दूसरा जौ लेकर चलता है। जल वाला व्यक्ति जल को गिराते हुए तथा जौ वाला अन्न को बोते हुए परिक्रमा करता है। श्री गोवर्धन जी की पूजा करने से घर में धन संतान और गौ की वृद्धि होती है। इस दिन कारखानों और उद्योग मशीनों की भी पूजा होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।